अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? कैसे गुजरे हैं रोजे? पता भी नहीं चला रोजे गुजर गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रही हूँ तुर्की का पुलाव। ये तुर्की में बनता है। ये गोश्त है 1 किलो। ये इन मसालों से बनेगा। ये प्याज है, ये हरी मिर्च है, अदरक, सफ़ेद इलायची, ये नमक है। ये इन चीज़ों से ही बनेगा पुलाव। अच्छी तरह गला लिया, यखनी निकाल लिया इसकी। अब ये 1.5 चम्मच तेल, तेल में ही बनाते हैं। ये प्याज ब्राउन करना है। ये प्याज ब्राउन हो गया, इस तरह के हो जाएंगे, फिर पानी डालना। ये कम मसालों से बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। थोड़ी देर इसको भूनना है। ये भून, ये यखनी डालने लगी हूँ। ये यखनी डाल दी है। अब उबाला आ गया, चावल डाल दिया। इसको दमा में दो 10 मिनट दम के लिए, छोड़ दे। ये पकोड़े मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ये बच्चों को बहुत पसंद है। इफ्तारी में ज़रूर पकोड़े होने चाहिए, ये बच्चे पसंद करते हैं। ये तो वैसे तो ये अच्छे नहीं, सेहत के लिए बच्चे पसंद करते हैं। इसके बगैर इफ्तारी अधूरी है। कोरों के बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसका दमा ठीक कर दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कितने अच्छे
चावल ये बन गए हैं। देखी तरह बनते हैं, थोड़े से मसाले से तैयार हो जाते हैं। ये देखें मेरी रेसिपी, ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखें। ये देखिए दाना दाना तैयार हो गया। मेरी बेटी ने दो कुरान खत्म किए अपने अबू के वास्ते और नानी नाना दादी दादा सब के लिए। ये खत्म दिलाऊं, ये बेटे इफ्तार के लिए रखें।